दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन के लिए, और आज की सुर्ख हाल देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, और वैक्सीनेशन के बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि यहाँ पे किस तरह से प्रोसीजर है। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहे मेरे आने वाली वीडियोज़ की। फिर से इंटरव्यू हूँ, बाइक मैंने अंदर पार्क की है और मैं अंदर जा रहा हूँ हॉल की तरफ। और हॉल आज इतना रश नज़र नहीं आ रहा जिस तरह चंद दिनों पहले था, क्योंकि अब जगह जगह जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं, इसलिए एक्सपो सेंटर में रश नहीं है। और मज़ीद इंशाल्लाह कुछ तो आपको मैं आगे की डिटेल दिखाऊं। दोस्तों, JTC की तरफ से यहाँ पे एक्सपो सेंटर में एहतमाम किया गया है। पीने के पानी का ठंडा पानी मौजूद है यहाँ पे, और कुछ रिफ्रेशमेंट के हवाले से सामने मोबाइल फ्री रेस्टोरेंट भी है JTC की तरफ से लगाया गया है। अब पानी पियेंगे, साथ में आपको कुछ बिस्किट्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं, वेफर्स वगैरह। दोस्तों, हॉल में मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे गेट पे लिखा हुआ है कि साइनोवैक वैक्सीन नॉट अवेलेबल। और अब दूसरे गेट पे जाते हैं हॉल नंबर 4 में, वहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी लाइन नज़र आ रही है। दूसरी तरफ लाइन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लाइन नज़र आ रही है, और यहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन है। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ हॉल नंबर 4 में, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि साइनोवैक। दोस्तों, सबसे पहले आपको 1166 पे SMS करना पड़ेगा अपना NIC नंबर, जिसके बाद आपको तस्दीकी SMS मौसूल होगा। उसके बाद आप एक्सपो सेंटर तशरीफ लाएंगे, और थोड़ी सी ही यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ज़्यादा लंबा रश नहीं है। और उसके बाद आपको हॉल में इंटर होंगे, और वहाँ पे भी कुर्सियाँ रखी गई हैं। अंदर एंटर होने के बाद आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद काउंटर पे आपका नंबर आएगा, वहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल CNIC लाजमी दिखाना पड़ेगा, और उसी CNIC पर आपकी एंट्री होगी और आपको स्लिप दी जाएगी। स्लिप मिलने के बाद आपको अंदर अपने बूथ पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन लगेगी। दोस्तों, मुझे वैक्सीनेशन लग चुकी है, मुझे साइन फॉर्म लगी है, और आप भी आगे वैक्सीन लगवाएं। आपसे पूछा जाएगा कि आपको वैक्सीन कौन सी लगानी है, जो जो अवेलेबल है उसमें से आप कोई भी यहाँ पे वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा, तकरीबन 15-20 मिनट तक आप यहाँ पे बैठेंगे, और आप देखेंगे आपकी तबीयत में कोई अगर बिगाड़ पैदा हो रहा है तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे रूम्स हैं, डॉक्टर रूम्स हैं, वहाँ पर आप चेकअप करवा सकते हैं अपना। अगर आपको BP का इशू है तो आप पहले ही वैक्सीनेशन से पहले ही यहाँ पे आके अपना टेस्ट करवा सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं। दोस्तों, वैक्सीनेशन में करा चुका हूँ, और एक्सपो सेंटर से मैं बाहर आ गया हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल सेट हूँ। अब अपने रूटीन की तरफ चलते हैं। डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर की वैक्सीन वगैरह के हवाले से, तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है, और मैं वैक्सीनेटेड हो चुका हूँ। सिविल सेंटर में इस वक्त मौजूद हूँ, एक्सपो सेंटर में, और इंशाल्लाह पूरी तफसील आपके साथ मैंने शेयर की। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, तो अवैध रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।